ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, अब मैंने क्या करा है, फोन की जो लाइट है वो ऑन करके मैं ये देखिए आपको अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा रही हूँ। उसमें काफी बारिश थी और मैं ये फूल तोड़ कर लाई बारिश में, देख के देखिए कितने सुंदर सुंदर अपराजिता के फूल और गुलाब, गुलाब तो बहुत ही अनगिनत हो रही है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन, ये बैठ देखिए, बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। और मेरे लड्डू गोपाल जी से, मेरे राधे कृष्ण जी से आप भी आशीर्वाद दे दीजिए एक बार फिर से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मेरे लड्डू गोपाल की, जय कृष्ण। आ रहे हैं अष्टमी का, अष्टमी नवरात्र और हम कन्याएं जमाई जाएंगे, तो कन्याएं जमाने की मैंने सारी तैयारी कर ली है, भोग की मैंने पूजा बना ली है और इसके बाद पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद है कन्याएं जमाएंगे। तो कन्याएं जो है मिलना मुश्किल हो रही है। हाँ यार, तो देखिए क्योंकि जिस दिन अष्टमी या नवमी होती है और व्रत खोलते हैं, कन्याएं जमाई जाती हैं, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है किचन में और फिर यह अकेले भी मैनेज करना पड़ता है, तो काफ़ी काम है। क्यों, कन्याओं के लिए खाना भी बनाना है सब, उससे पहले मैं पूजा करूँगी, हवन करूँगी और माता रानी और भगवान जी को भोग लगाऊँगी, उसके बाद ही हम कन्याओं को जमाएँगे। वैसे तो सुबह से ही लगे हुए हैं काम में, लेकिन यही है अपना खुद का काम, अपना नहाना धोना और झाड़ू पोछा करते हुए और फिर किचन का काम निपटाते, तो ये है कि 8:30 तो बज ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट भी हो गया तो कोई नहीं, लेकिन मैं आराम से ही अच्छी तरह से पूजा करने के बाद ही कन्याओं को जमाऊंगी और उसके बाद ही मैं व्रत को खोलूंगी। तो सभी इसी तरह मैं सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो उसके बाद हमें शांति से अच्छी तरह से पूजा पाठ करके ही अपना व्रत खोलना चाहिए। मैं तो इसी तरह से खोलती हूँ अपना, अच्छी तरह से पूजा पाठ करके, चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, सबसे पहले पूजा पाठ करके और फिर ये बाद में मैं जो है कन्याएं जमाती हूँ, अपना काम आराम से निपटा कर, कोई भागम दौड़ी में मतलब ऐसा काम नहीं करती कि इतनी जल्दी नहीं रहती कि हाँ भाई बहुत ही जल्दी है कि सुबह सुबह निपटा लो। सुबह फिर भी इतना करते करते 5 बजे से उठ कर भी 9 बजे तक भी सारे काम आसानी से निपट जाते हैं, तो बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ, सोच रही हूँ जल्दी मतलब ये आराम से सारे काम हो जाएं। और अब हम करेंगे पूजा पाठ वगैरह, और पहले रसोई में मैं भगवान जी के जो भोग की थाली है वो तैयार कर रही हूँ, और उनका मैंने भगवान जी का जो भोग है वो बना लिया है, बस प्लेट में लगा रही हूँ, और लगाने के बाद फिर जहाँ मैं पूजा करूँगी, हवन करूँगी, वहाँ पर मैं रख दूँगी, फिर आराम से भगवान जी की पूजा करने के बाद मैं हवन कर लेंगे। तो अभी मैं ही उठी हूँ और बच्चे उठ तो गए हैं, लेकिन अभी सुबह अपने कामों में व्यस्त हैं, और जैसे ही हम पूजा करेंगे और हवन करेंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे पूजा करने, इतने में और अपने जो भी काम मेरे रह गए हैं किचन के वो निपटा लेते हैं। बस सारा काम लगभग मेरा हो ही चुका है और हवन सामग्री जो है मैं उसमें घी डाल रही हूँ हर बार। तो देखिए माता रानी की पूजा की लगभग सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस हवन करना बाकी रह गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने टेरेस गार्डन से फूल आई हूँ, ये फूल भगवान जी के लिए तोड़ के ले आई हूँ पूजा करने। देखिए कितने रंग बिरंगे, कितने तरह के फूल खिले हुए मेरे टेरेस गार्डन में। अब मैं ये भगवान जी को चढ़ाऊंगी और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। तो अपने टेरेस गार्डन में से मुझे काफ़ी रंग बिरंगे से फूल मिल गए हैं, डेली मैं ऊपर चलाती हूँ, काफ़ी फूल खिले रहते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे फूलों के पौधे लगा रखे हैं, और मैं भगवान जी को डेली फूल मतलब ऐसे ही ऊपर टेरेस गार्डन से तोड़कर चढ़ाती हूँ। तो एक एक करके मैं सारे भगवान जी को अपने फूल चढ़ा दूँगी, तो अपने आप अपने घर में बोए हुए फूल और उनको तोड़ के लाना, अपने हाथों से चढ़ाना, तो उसकी खुशी जो है एक अलग ही होती है। तरह तरह के जो फूल है हम अपनी इच्छा से अनुसार बोते हैं, और फिर जब उनमें फूल खिलते हैं, जब पेड़ पौधे बोते हैं, तो बड़ी ही खुशी होती है। और मैंने छत पर बो रखे हैं फूलों के पौधे, और मेरे सारे पूजा पाठ का काम, जब भी कोई तीज त्यौहार व्रत होता है या वैसे डेली भी पूजा पाठ में, मुझे काफ़ी सारे फूल जो है अपने टेरेस गार्डन से ही मिल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे मैंने फ्लावर प्लांट्स जो है बो रखे हैं, तो फूलों की कभी भी पूरे साल के साथ मुझे कभी कमी नहीं रहती है, और मैं सीजन के हिसाब से बोती रहती हूँ। तो एक एक करके मैंने भगवान जी को सारे फूल भी चढ़ा दिए हैं, और अब मेरी साथ साथ पूजा पाठ भी इसके साथ हो रही है। बस अब मेरा थोड़ी देर बाद हवन हो जाएगा और फिर हम कन्याओं को उसके बाद जिमा देंगे हवन करने के बाद। तो कर लेते हैं पहले पूजा, और मेरे ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहिए और एंड तक मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए। अगर आपको प्लीज़ मेरा ये चैनल, मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। पूजा पाठ हो चुकी है और अब हम हवन करेंगे। तो ये कितने अच्छे से मेरे ये नोट पे हो रहे हैं,
और यहाँ भी देखिए छोटी सी मटकी में, और आप कर लीजिए माता रानी के दर्शन अष्टमी को। ये हम अब कन्या जमा देंगे और पूजा पाठ का आज नवरात्रों का। कई लोग वैसे नवमी भी पूजते हैं और हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो हम यहाँ आज समापन हो जाएगा ये कन्या पूजने के बाद। सानू भी अपने फोन से बना लो क्लियर वीडियो। ढंग से देखो भैया मेरे पैर छूते देख लिया तो बनी वीडियो लूंगी से तो मैं अपने पास जो लग जा बाबू तू ये तो लड़का है, तुझे पता था कितने बजा देगी दो मिनट में दो तीन कुछ प्रज्ञा ने तो सारी पूरी खा ली। प्रज्ञा तेरे बेटे तो जगह नहीं थी सारी खा ली। मम्मी थोड़ी बहुत की बात कर रही सारी साफ है। तो देखिए कन्याओं को जिमाने के बाद परिवार सहित हमने आशीर्वाद ले लिया है और अब सभी हम कन्याओं को हमने उन्हें दक्षिणा देके विदा